आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, हम आपके लिए कुछ जलपान लेकर आए। आप ठीक तो है ना? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे? मुझे लगा मेरी मेरी मुन्नू आ गई। देखिए, आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए, वो अब झांसी की महारानी है। वहां महल में दासियों के अतिरिक्त महाराज का पूरा परिवार उनका ध्यान रख रहा होगा। संभवतः कह रहे हो देवा, मेरी मनु पर कृपा दृष्टि बनाए रख लो। आयश्री मैत्री, पुरोहित जी के साथ जो पंडित गण आए हैं उन्हें ये उपहार स्वरूप भेंट में दे दो। हरिओम, हरिओम। क्या बात है बहू? दासियों ने तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं की जो तुम्हें यहां तक आना पड़ा? जब आप हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है तब अभाव कैसे हो सकता है? तो फिर यहां आने का कारण? आयश्री जी, हमने आपकी बात पर बहुत विचार किया। वास्तव में पति की सेवा, घर की देखभाल करना, संतान उत्पन्न करना, ये सब औरत का धर्म होता है। और आयश्री जी, हम भी ये सब करेंगे। हरिओम, हमें तुमसे यही अपेक्षा थी। परंतु हमारे विचार आपसे अलग हैं। हम केवल ये सोचकर अपने पति की सेवा नहीं करेंगे कि स्त्री धर्म, बल्कि इसलिए समर्पित रहेंगे कि हम अपने पति का बहुत आदर करते हैं और हमारे संस्कार भी यही कहते हैं। हम मानते कि हमारा विवाह नियति ने निर्धारित किया और ये हमारा भाग्य है जिसे हमारे आजूबा और बाबा ने मिलकर साकार किया और हम सदैव उनका मान रखेंगे। आप हमसे न जाने क्यों नाराज हैं, परंतु एक दिन हम आपका दिल अवश्य जीत लेंगे और तब आप शायद स्वीकार कर लें कि एक औरत भी अकेले बहुत कुछ कर सकती है। हमें अपने पति के लौट आने तक व्रत रखना है। हरिओम।
गुरुजी महाराज को सादर प्रणाम। चिरंजीव विभव राजन विराजिए। हमने ही यशोधरा आपकी आयश्री को आपसे भेंट की अनुमति दी। अनुमति? इसका अर्थ यह है कि आयश्री यही ध्यानरत थी, उन्हें हमारे पास भेजकर आपने हम पर बड़ी कृपा की है। हम कृपा से अधिक धर्म का पालन करते हैं राजन। एक ध्यानाचार्य का कर्तव्य होता है कि वो राज्य अधिकारी के हृदय में आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करे। परंतु आयश्री ने हमें आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए यहाँ बुलाया था। हमने स्वयं बुलवाया था। आदेश राजन, भारत इस समय दयनीय परिस्थिति से जूझ रहा है। हर राज्य के राज्य अधिकारियों का राज्य इन धूर्त फिरंगियों ने छीन लिया है। ऐसे समय में केवल झांसी ही एक आशा की किरण है, परंतु वहां भी एक बाधा है। संतान। संतान? गुरुजी महाराज, इसीलिए तो हमने दूसरा विवाह किया है, परंतु वो उत्तराधिकारी देने अभी योग्य नहीं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। शत्रु आपके महल में प्रवेश कर चुका है। खानवलकर की बेटी यहाँ कैसे? तुम्हारा ध्यान कहीं और है जानकी, चाल हमारी है। वैनी साहब आप ठीक कह रही हैं, चाल आप ही की है। यदि हम नहीं वहां होते तो संभवतः ये पाखंडी ये हमारे रावा को मार ही डालता। नहीं महाराज, ये आरोप है। मैं महाराज को बचाना चाहता। चुप रहो। दादाश्री के ये कहने पर कि खानवलकर परिवार भी नेवालकर वंश का संबंधी है, उनका मान रखने के लिए हमने तुमको महल में रहने की आज्ञा दे दी और तुम लोग इसे अपना अधिकार समझ बैठे। इतना ही नहीं, अब तुम्हारा साहस इतना बढ़ गया कि शाही परिवार के राजकुमार पे हाथ उठाने की ताकत कर बैठे। नहीं महाराज। अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, बहुत निभा चुके संबंध। सिपाहियों,
इन्हें राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। और सुनो, आज के बाद तुम और तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य इस महल में पांव न धरने पाए। खानवलकर परिवार का कोई भी सदस्य अगर हमें इस महल में दिखाई दिया तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तक मालूम ही नहीं कि उस दिन गंगाधर को मारने का प्रयास हमी ने किया था और आरोपित हो गया था बेचारा खानवलकर। अब वही आयुश्री वापस आ गई है और उन्हें पता चल गया कि खानवलकर की पुत्री यहाँ आई है, तो जानकी कहाँ हो गई? मैनी साहब बहुत हो गया, अब हम चलते हैं। बहुत जल्द एक नई चाल के साथ हम एक नया खेल खेलेंगे। महारानी साहब, चिन्ना तुम बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। ये पत्र बाबा को देना था इसलिए तुम्हें बुलवाया, परंतु तुम इतनी रात को आ गई। आप आदेश करें तो संसार की कोई भी शक्ति हमें आपसे मिलने के लिए नहीं रोक सकती, तो फिर ये दिन और रात क्या? तुम बाबा से मिली? जी हाँ, हम दुर्गा बाड़े गए थे। आपके बाबा बहुत उदास हैं, हमसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। हम भी उन्हें भुला नहीं पा रहे। महारानी साहब, उन्होंने तो खाना पीना छोड़ दिया। क्या हमें अभी उनसे मिलने जाना होगा? सुंदर काशी, हमारे पापा बहुत दुखी हैं। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया। क्षमा कर दीजिए महारानी, महाराज मर गए हैं और आयशी अपने कक्ष में ध्यान से लीन है। अगर उनको पता चल गया तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। हे देवा, हमारे पापा ने केवल हमारे कारण भोजन त्याग दिया। जिम्ना, हमारा एक काम करोगे? आप आदेश दीजिए महारानी साहब। बहुत अच्छे, चलो हमारे साथ। पापा को अपने सामने खिलाना, परंतु महारानी साहब वो इतने दुखी हैं कि हम जानते हैं, परंतु तुम उन्हें खाने के लिए विवश कर देना, और अगर फिर भी ना खाए तो उन्हें हमारी कसम दे देना
तब तो वो अवश्य खाएंगे। हमें तुम पर विश्वास है। तुम जानती नहीं हो चिमना, हमारे बाबा बिल्कुल हमारी तरह। हाँ, ये पत्र तुम हमारे बाबा को दे देना। उनके कक्ष में कोई भी नहीं जा सकता। इस वक्त वो अपने ध्यान में नहीं रहती। बोला है आप? वो अच्छा, वो तो हर वक्त अपने पास में रहती है। लेकिन आपको इस वक्त इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न पूछने की आदत आपको कब से लग? अल्लाह, तोबा तोबा, माफ कीजिए। ठीक है, अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। हम इसमें कुछ लड्डू रख रहे हैं, कुछ तुम खाना और कुछ हमारे पापा को दे दे। ठीक। अरे महारानी साहिबा, आप यहाँ रसोई में? सुनो, जरा पता तो करवाओ, सारी दासियां कहीं मर गई है क्या? नहीं नहीं भाई नहीं सर, सारी दासियां हमारे कक्ष में। वैसे भी हमें भूख नहीं, हमने व्रत रखा है। अच्छा अच्छा, आपका मन बेचैन हो रहा था और आप रसोई में चली आई। वैसे ये कौन है, आपकी दासी? नहीं नहीं, ये हमारी दासी नहीं, हमारी सहेली। क्या बात है, इतनी जल्दी आपने अपने लिए एक सहेली भी ढूंढ ली। वही नहीं साहब, ये सब तो अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। एक इंसान चाहे तो शत्रु को भी मित्र बना ले। अब इसने घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? वो हम आपको पूछ कर बताते। वाह, क्या बात है, आपके इन्हीं विचारों से तो हम सब प्रभावित होते हैं। अब हम आप क्या चाहते हैं? चिमना, हम चाहते थे कि तुम ये लड्डू अभी खा लेती,
क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, हम जब तक आपके पापा को भोजन नहीं करा देते तब तक हम स्वयं कुछ नहीं खाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए महारानी साहब, हमें शीघ्र ही दुर्गा बाई वाड़ा पहुंचना है। बहुत अच्छी, जल्दी जाओ। जी, और सुनो, संभाल कर जाना। जी। इसने वो लड्डू नहीं खाए जिसमें उन्हें बेहोशी की दवा मिलाई, लेकिन अगर वो महारानी जी के बाबा ने खा लिया तो गजब हो जाए। तब तो और भी अच्छा हो जाएगा। महल से भोजन भेजने वाली उनकी अपनी बेटी और उसे खिलाने वाली चिन्नाबाई खानपेकर।